दोस्तों पिछले एक साल से मैं YouTube वीडियो के लिए बोया का माइक्रोफोन यूज़ कर रहा था, वायर्ड वाला, और 20 फीट के करीब इसका रेंज है, लेकिन बहुत इनकन्वीनियंट था इसको लेके घूमना इतनी लेंथ में स्पेशली। तो अभी मैंने नेट पे देखा तो मेरे को ये ग्रैनरो J11 ये बहुत इसके बारे में अच्छा रिकमेंडेशन था, तो मैंने इसको ख़रीदा है और अब मैं इसको यूज़ करूँगा नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो के लिए। तो आईफोन के लिए लेने तो जेनेरिक लेना पड़ेगा, अभी तो व्हाइट डॉट दिखा रहा है, और मैंने लिया एंड्रॉयड के लिए, मैं क्योंकि मेरे पास में दोनों सैमसंग के फ़ोन हैं, तो ये एंड्रॉयड वाला आप ले सकते हो। और इसमें इसमें वारंटी कार्ड रहता है एक, और ये चार्जिंग बॉक्स है एक्चुअली, यहाँ पर सी टाइप केबल के लिए चार्जिंग का पोर्ट है, और इसमें एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर है। इसमें चार्जिंग केबल दी है, सी टाइप है, और इंस्ट्रक्शन मैनुअल भी है यहाँ पे। जल्दी आपको सब इसमें, मेरे को सिर्फ थोड़ा बहुत इसको देखने की जरूरत पड़ी और देन ये हो गया। अभी मैं इनका कैसे कनेक्ट करते हैं और इनका कैसा आउटपुट है, कैसी परफॉर्मेंस है, वो आपको बताऊंगा। तो ये चार्जिंग बॉक्स में ये सी टाइप का पोर्ट है, जैसे इसको ऑन करते हैं देखो ये LED आपकी ऐसे फ्लैश करने लग जाएगी, और यहाँ पर अंदर में जो ट्रांसमीटर है ये इसकी भी LED ऑन होनी चाहिए जब ये चार्जिंग में जाता है। हाँ मैं भूल गया था, असल में ये इसका एक इन्होंने ये लगाया हुआ है, तो जब तक इसको टेप को नहीं हटाओगे तो वो चार्जिंग में नहीं जाएगा। मैं तो अभी ये मैंने हटा दिया है, अब मैं इसके अंदर डालूंगा कि देखो ये लाइट आ गई, तो ये मतलब चार्जिंग होना चालू हो गया। तो ये ट्रांसमीटर है और ये रिसीवर है। तो रिसीवर में एक तो LED का दिया है इन्होंने, जब ये मोबाइल में कनेक्ट हो जाएगा तो LED ऑन हो जाएगी, और ये चार्जिंग पोर्ट दिया है। इसका यूज़ ये है कि जब आपका मोबाइल अगर डिस्चार्ज होने लग गया तो उस समय ये सी पोर्ट से यहाँ पे आप पावर बैंक से या वैसे कनेक्शन देके यहाँ से आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, तो मोबाइल को अगले चार्ज होने तक जितनी भी रील आप बना सकते हैं। ये मैंने कनेक्ट किया, ये देखो इसकी भी एक LED है, ये वाली LED दिखने लग गई होगी, मतलब कि अभी ये पावर हो गया है मोबाइल बैटरी से, तो इसलिए इसको सेपरेट कोई एक्चुअली चार्जिंग की जरूरत नहीं थी। और ये ऐसे आप इसको लगा सकते हो कॉलर पे। ये ट्रांसमीटर का ऑन ऑफ स्विच है, और इसे लेवल चेंज कर सकते हैं 1, 2, 3, वो मैं दिखाऊंगा डेमो में। ये पावर ऑन की LED है, पावर ऑन के लिए इसको कंटिन्यू दबा के रखना पड़ेगा, तो ऐसे ये ग्रीन लाइट आ जाएगी। अभी ऑन है, अभी इस समय इसकी क्वालिटी देखो, और अगर आपको डिस्टर्बेंस नॉइस का वो अगर हटाना है तो इसको एक बार दबाओगे तो एक बार LED फ्लैश करेगी। देखो मैंने एक बार दबाया, LED ने एक बार फ्लैश किया, तो ये आपको दिखाई देगा कि थोड़ा सा सुनाई देगा कि क्वालिटी में फ़र्क पड़ रहा है। और ये मैं दोबारा दबाऊंगा एक और बार, ये दो बार फ्लैश किया, ये क्वालिटी और बेटर हो जाएगी। और ये तीसरी बार दबाया तो तीन बार फ्लैश किया, ये सबसे बेस्ट क्वालिटी बोलते हैं, पर मेरे को कभी दो में फ्लैश में ही अच्छी क्वालिटी लगी। ये इसका माइक है, और यहाँ पर ये चार्जिंग का है आपका, और इसमें एक ये सी पोर्ट भी दिया हुआ है। तो अभी बाहर जाके इसका देखेंगे कि कैसी इसकी परफॉर्मेंस है बाहर के एनवायरनमेंट में, और डिस्टेंस का भी थोड़ा देखेंगे 20 मीटर का, क्योंकि बोलते हैं वो जो वायर वाला था तो 20 फीट था सिर्फ, ये 20 मीटर बोल रहा है इसकी जो रेंज रहेगी, तो भी अभी टेस्ट कर लेंगे। मैं नीचे लेके जाऊंगा इसको। इससे पहले मैं कुछ बोल रहा था वो रिकॉर्ड नहीं हो रहा था, क्योंकि इसका रिसीवर मैंने फ़ोन पे लगाया हुआ था और ट्रांसमीटर की पावर ऑन नहीं थी, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता तभी वो होगा कनेक्ट। अभी मैं ट्रांसमीटर की पावर ऑन कर दूंगा तो ये फिर रिसीवर से कनेक्ट हो जाएगा और जो मैं बोलूँगा रिकॉर्ड होगा। ये ग्रीन कलर की लाइट आ गई है देखो, अब ये ग्रीन कलर की लाइट है। तो अब की अभी इस समय इसका कैसा परफॉर्मेंस है, और मैं फिर बाद में इसको तीसरे मोड तक लेके जाऊंगा 1, 2, 3 करके, और थोड़ा डिस्टेंस पे भी जाऊंगा, देखेंगे उसका कैसा आउटपुट रहता है। पावर ऑन होने के बाद में ये ऑडियो को कैप्चर करने लग गया, लेकिन सराउंडिंग का नॉइज भी ये ले रहा है। ये मोबाइल स्टैंड पे मैंने मोबाइल को सेट कर दिया, और अभी ये मैंने अभी मोड नहीं चेंज किया, जस्ट ऑन वाली कंडीशन में, तो मैं ये दूर जाता रहूँगा और इसको पहले फर्स्ट मोड को ऑन कर रहा हूँ मैं। ये फर्स्ट मोड में आ गया, अभी इसका परफॉर्मेंस देखेंगे कैसा है। फर्स्ट मोड में डालते ही बहुत बड़ा चेंज आ गया, अधिकतर नॉइज हट गया है।
ये मैं 5 मीटर करीब आ गया हूँ। ये सेकंड मोड मैंने इसका एक्टिवेट कर दिया है। नॉर्मली इसी में आवाज़ और क्लियर हो जानी चाहिए। अभी साउंड क्वालिटी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, आपको भी महसूस हो रहा होगा। ये तीसरे मोड में मैं जैसे ही टर्न हुआ ये रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी, ऑडियो रिकॉर्डिंग। तो इसका मतलब फेस करना चाहिए इसको रिसीवर की तरफ, ये नई चीज़ थी मेरे लिए। ये मैं कोई 17-18 मीटर के करीब चला गया हूँ। तो अभी नॉइज़ में काफ़ी मुझे लग रहा है कट ऑफ कर दिया होगा इसने, एक्सटर्नल नॉइजेज जो हैं वो सब ख़त्म हो गए होंगे मुझे लग रहा है। ख़त्म मतलब कि बहुत कम कर दिए होंगे। तो घर में जाके अभी इसकी परफॉर्मेंस देखूँगा। नीचे टेस्टिंग करने के बाद में मैंने यहाँ लैपटॉप पे इसका रिज़ल्ट देखा तो काफ़ी ठीक था। पर मैंने देखा कि एक तो सेकेंड लेवल है असल में क्वालिटी का, तो वो सबसे बेस्ट लगा मेरे को। थर्ड में जाकर फिर थोड़ा हिसिंग नॉइज बढ़ गया था। और दूसरा एक और फर्स्ट टाइम नोटिस किया कि भाई इसको फेस करना चाहिए ट्रांसमीटर और रिसीवर को। जैसे मैं पीछे मुड़ गया था एक जगह तो वहाँ पे उसने बिल्कुल लेना बंद कर दिया था साउंड को। और एक और था कि 20 मीटर से ऊपर जैसे ही जाने लगता है तो ये इसमें जो LED है वो फ्लिकर करने लग जाती है रेड एंड ग्रीन में, वो इंडिकेशन है कि रेंज से बाहर चले गए आप। तो आगे से YouTube वीडियो जो मैं बनाऊंगा तो उसमें ये इसको यूज़ करने वाला हूँ। ये बहुत अच्छा हो गया क्योंकि पहले वो वायर सिस्टम से थोड़ा प्रॉब्लम लगती थी मेरे को। क्वालिटी अच्छी थी लेकिन भाई इसको हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।